जिला बदायूं के इस्लामानगर में होने वाले नगर निकाय चुनाव में आज हमारी मीडिया टीम ने इस्लामानगर की जनता से बात की, जिसमें ओलिडिया जमातुल कुरैस जिलाध्यक्ष कासिम कुरैशी व शान अली फहीम कुरैसी, नुसरत खान, अफाक कुरैसी, वली मोहम्मद नवाज खान आदि लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस्लामनगर पंचायत में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हज्जन निषाद बी पत्नी हाजी मुशाहिद अली मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल को देखते हुए हम सब इस्लामनगर की जनता आने वाली 11 मई को भारी मतों से जीत दिलाने का निश्चय किया है। वो अपने वार्ड को ही देखता है, वार्ड का मुखिया होता है, लेकिन ये हमारे जो मेंबर हैं, ये वार्ड के साथ साथ चेयरमैन साहब के साथ में हमारे जो हाजी मुशाहिद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, उनके साथ साथ ये पूरे कस्बे के हिंदू मुस्लिम कोई भी लोग आ जाए, किसी भी वार्ड का, 16 वार्ड है किसी भी वार्ड का, ये उसका कार्य उसके साथ जाके कराते हैं, अधिकारी घोषणा देते हैं। कहीं तो वार्ड मेंबर 8 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे मिलता है, लेकिन ये जो मेंबर हैं, जितने मेंबर हैं इस टाइम, और ये आफाक भाई तो हमारे जो अपनी प्रतिनिधि हैं शमीम जहाँ के, ये 24 घंटे अवेलेबल इस्लाम नगर के अंदर मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो योजना आती है उसके साथ साथ ये अपनी तरफ से प्राइवेट तरीके से एक इंसानियत के नाते पब्लिक की भी खूब मदद करते हैं। कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ, इन्होंने घर घर जाकर कुंडा बजाकर लोगों को आधी रात में अनाज बांटा चेयरमैन साहब के साथ। यही होना चाहिए कि अगर सरकार के द्वारा से कोई योजना आ रही है तो जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए क्या योजना आई है और क्या इसका लाभ है क्या है, ठीक है। और सब आपका भी, मेरा नाम नुसरत है भाई। जो वार्ड नंबर 10 में जो मेंबर हैं आफाक कुरैशी, इन्होंने बहुत काम किए हैं। मैं तो इनके वार्ड का नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है, बहुत काम करते हैं और हर समाज के काम में आते हैं। और हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो बस बहुत ही विकास करने वाले आदमी है। हमारे साथ जो यहाँ के मतलब चेयरमैन मतलब बोर्ड मेंबर हैं वो भी हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं। जी बहुत बढ़िया, विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? माफी कराया आपने वार्ड में, वो तो जनता बता रही है, इसके अलावा और क्या जब सरकार की कोई नीति आती है? मैं तो पब्लिक के साथ हूँ, जो पब्लिक में से कराती काम वो करता हूँ। ये जो नगर पंचायत के जितने भी सदस्य गण है हमारे, ये एक चेयरमैन के परिवार जैसे। अब मसला क्या होता है, जैसे छोटी छोटी योजनाएं आती है सरकार की तरफ से, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या कॉलोनी, तो एक आम इंसान जो गरीब तबके से आता है वो अपना काम की पैरवी नहीं कर पाता। उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, चेयरमैन साहब के नीचे, घर के नीचे, आवास के नीचे एक ऑफिस है, वहाँ उनके कारिंदे निःशुल्क सेवा करते हैं। कहाँ से कागज उठा करके कहाँ जमा करना है, कहाँ, इसके इस व्यवस्था के तहत 1 रुपया फालतू गरीब आदमी का नहीं खर्च होता, उस तक व्यवस्था पहुंचती है, यानी कि सरकार से जो पैसा आता है वो गरीब तक पहुंचे निशुल्क। ये होना भी चाहिए क्योंकि कुछ लोगों को क्या होता है कि मतलब जानकारी नहीं होती है, जब जानकारी नहीं तो एक दो जगह जाते हैं वो, उनका काम नहीं होता, घर बैठ जाते हैं। देखो लैक ऑफ नॉलेज की बात होती है जब, और सरकार ने जो भी व्यवस्था बनाई है गरीबों के लिए वो उन तक पहुंचे, इसमें हमारी कोशिशें रहती है, इसमें हमारा सारे मेंबर गण हमारा साथ देते हैं, सदस्य गण। ये कागजों की बहुत बड़ी वैल्यू हो चुकी है, गली में कूड़ेदान, सड़कों पर कूड़ेदान, जहाँ जहाँ गर्मी में प्यासे लोग जाते थे, बाहर की जनता आती थी, उनके लिए प्याऊ लगवाए, हर सड़क पर 2-2 प्याऊ, लाइट की व्यवस्था बहुत शानदार, जैसी जैसी योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने और योगी जी ने हमें दी, वैसी वैसी हमारे नगर के चेयरमैन ने वो योजना पब्लिक को दी। और नगर पंचायतों में देखा होगा उसमें थोड़ा सा ये होता है, जैसे मैं शाहबाद रहता हूँ, जो अभी प्रत्याशी है निषाद भी, वो मेरी सिस्टर, मतलब रहने वाले यहाँ के हो, शाहबाद से हूँ, और जो नगर पंचायत से अध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ रही हूँ मेरी सिस्टर है। मेरी नगर पंचायत शाहबाद में कुछ व्यवस्था ऐसी थी, उनको बिगाड़ने के लिए कुछ लोग जो दलाली कर करके उसमें बीच में 10,000-20,000 कमाते थे, यहाँ वो व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन पब्लिक से है, मेंबरों का भी और चेयरमैन का भी, होना भी चाहिए। अगर बीच में कोई मिलेगा तो दलाल मिलेंगे, अच्छा, और दलाल के द्वारा सरकार के अलावा, सरकार के, अब जैसे ये 2 साल कोरोना काल के गुजरे, इसमें सरकार ने तो मदद की कि इन्होंने अपने जाती तौर से भी लोगों को राशन पानी से लेकर के दवाइयों से लेकर सुविधाएं मुहैया कराई। यहाँ पर एक पूरा परिवार है, यहाँ पे कोई सियासी माहौल नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर के आपस में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब ये नईम भाई हमारे दिल्ली रहते ही अपना काम छोड़ के सिर्फ इसी वजह से आए चुनाव लड़ाने कि सही आदमी फिर से, ये चचा भी है इधर,
ये सारे लोग इसीलिए बाहर से जो बाहर आ रहे हैं सिर्फ चुनाव के लिए आए कि सही आदमी जनता के बीच में चुनकर जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब से भी कुछ पूछना चाहेंगे विकास के बारे में, किस हिसाब का विकास चाह रहे हैं आप इस्लाम नगर के अंदर? देखिए हमारे कस्बे के जो मेंबर साहब हैं उन्होंने बेचारा बहुत अच्छा काम किया है, जैसा कि जनता के लिए करना चाहिए, और हमारी कोशिश है ये कि ये अच्छे मतों से बेचारे कामयाब हों, क्योंकि जैसा लोग काम करते हैं वैसे ही फिर उनके लोग जो उनका साथ दिया करते हैं। काम के हिसाब से जनता चुने? हाँ काम के हिसाब से जनता चुने जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मुसाद भाई जीते। और आप लोग किस हिसाब का, किस हिसाब का चेयरमैन प्रत्याशी चाह रहे हैं, किस हिसाब का वार्ड मेंबर चाह रहे हैं, इसके बारे में कुछ चेयरमैन प्रत्याशी मुसाहिद भाई जीते। और चेयरमैन प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस हिसाब का चेयरमैन चाह रहे हैं? मुसाहिद भाई जीते, मुसाहिद भाई। अच्छा वार्ड आपका वार्ड कौन सा है? अच्छा जो 10 नंबर में वार्ड नंबर अभी जो मेंबर साहब थे इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छे आदमी है ये, बहुत बढ़िया काम करा है और आगे भी करते रहेंगे। तो आपने देखा ये हमारे अभी वार्ड नंबर 10 के लोग थे इस्लाम नगर में, यहाँ कुछ हमारे भाई लोग हैं, इनसे नगर पंचायत इस्लाम नगर के जो भी मेंबर वगैरह लड़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, और ये वार्ड नंबर 10 के जितने भी लोग हैं यहाँ मौजूद हैं इनसे भी मालूम करेंगे, मतलब इस्लाम नगर में विकास के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी इस्लाम में कुछ समस्या है उनके बारे में जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम भाई से बात करते हैं, सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम शान अली है। इस्लाम नगर के विकास के बारे में कोई बात बताइए। देखिए विकास के मुद्दे को लेकर ही हमने 2 चुनाव लड़े और पिछला चुनाव जो हमें जनता ने साथ दिया वो विकास के मुद्दे को एजेंडा लेकर के हम जब मैदान में गए उसमें जनता ने हमारा साथ दिया और उनकी उम्मीदों को हमने 5 साल में खरे उतरे, इसलिए भारी तादाद में हमारे साथ लोग यहाँ पे एकत्रित भी हैं और हमारे साथ चुनाव में दमखम से हमें समर्थन भी दे रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी भारी वोटों से जीत होगी इस बार भी। और हमारा जो मुद्दा है आज भी एजेंडा हमारा विकास का ही है, जो काम हमने 5 साल में 3 साल तो चेयरमैन ही के रहे, 2 साल तो लॉकडाउन में ही गुजर गया, काम नहीं करा पाए, उन 2 साल में जो कमी रह गई है वो इंशाल्लाह आने वाले समय में हम पूरी करेंगे। अच्छा देखा जाए तो ज्यादातर विकास की बात करें तो जो वार्ड मेंबर होता है वही चेयरमैन को एक रास्ता बता के जो समस्या होती है तब चेयरमैन काम कर पाते हैं, तो विकास में सबसे पहले आपका एजेंडा क्या रहेगा, किस मुद्दे पे आप सबसे पहले विकास कराएंगे? विकास वार्ड नंबर 10 के हमारे मेंबर साहब हैं, इनकी पत्नी शमीम यहाँ पहले भी मेंबर रह चुकी हैं और अब भी चुनाव लड़ रही हैं। अभी मौजूदा हालत में इन्होंने अपने वार्ड में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आए थे उसमें लगभग 80 मकान उन्होंने अपने वार्ड में दिलाए हैं और उसके साथ साथ जो टॉयलेट का पैसा आया था कम से कम 23 लाख प्लस इन्होंने टॉयलेट का पैसा गरीबों के लिए दिलाया था। उसके साथ साथ छोटी बड़ी सड़कें अपने विकास में करी हैं, गलियां करी हैं और जो गरीब हालात में लोग हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादियां होती हैं उसमें ये खूब अपनी तरफ से उनकी मदद करते हैं। उसके अलावा जो वृद्धा पेंशन है और लगभग आपकी ये जो विधवा पेंशन है, ये विकलांग पेंशन है, ये लोगों को दिलाते हैं और जहाँ जहाँ 60 साल है वो पेंशन दिलाते हैं और जहाँ जहाँ गरीब लोगों की मदद होती है और इसकी मदद करती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात ये बताता चलूं कि जब वार्ड मेंबर होता है वो अपने वार्ड को ही देखता है, वार्ड का मुखिया होता है, लेकिन ये हमारे जो मेंबर हैं ये वार्ड के साथ साथ चेयरमैन साहब के साथ में हमारे जो हाजी मुश्ताक चेयरमैन प्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ ये पूरे कस्बे के हिंदू मुस्लिम कोई भी लोग आ जाए किसी भी वार्ड का, 16 वार्ड है किसी भी वार्ड का, ये उसका कार्य उसके साथ जाके कराते हैं, अधिक कार्य घोषणा देते हैं, कहीं तो वार्ड मेंबर 8 घंटे कार्य के बारे में आफात कुरैशी के बारे में बता रहे थे जो कि काम इनका काफी अच्छा रहा है और काम के ही बल पर जनता ने इन्हें दोबारा लड़ने के लिए कहा है और इसी चक्कर से ये दोबारा लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और दोबारा जीतेंगे, ये जनता का संदेश है। नगर पंचायत इस्लाम नगर की चेयरमैन का, वार्ड नंबर 10 के मेंबर का, ये आपको दिख रहा होगा पब्लिक में क्या जोश है और क्या खरोश है। ये नगर पंचायत इस्लाम नगर की आपको पता है, मैं आपको बता दूं नगर पंचायत बिसोली, नगर पंचायत बजीरगंज, नगर पंचायत सैदपुर, इन नगर पंचायतों में अपने कार्यकाल में ताले पड़ चुके थे, ये आपके अगर नॉलेज में होगा तब, क्योंकि सेटिंग चेयरमैन की और योग की इन नगर पंचायतों में बनी नहीं थी,
अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नगर पंचायत में नगर पंचायत के कर्मचारी, नगर पंचायत के सभासदगण, नगर पंचायत का चेयरमैन बहुत शानदार तरीके से नगर पंचायत चलाई है। सलाम नगर की जनता को आज तक किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। सही बात है, बड़ी अच्छी तरीके से जो है नगर पंचायत के लिए काम को अंजाम दिया है। जिस तरह से ये चेयरमैन का फर्ज बनता है उसी तरह से उन्होंने गरीबों के लिए भी देखा, अमीरों का भी ख्याल किया और अपने मित्र लोग थे उनका भी ख्याल किया, और यही होना चाहिए एक चेयरमैन के लिए। एक नेता के लिए जो होना चाहिए वो सारे गुण उनके लिए अंदर मौजूद, उनके अंदर मौजूद। भाई टुकड़े हैं वो हमारे दिल के टुकड़े हैं और उनको जिताना है खूब मेहनत करके। हम सब भाइयों को ये करना है कि उनको खूब अच्छी तरह से जिताना है। एक जनता के लिए ये होना चाहिए कि जो हमारे बीच में विकास कर सके, जो मतलब कि जात पाती को ना लेकर निष्पक्ष बात करे। विकास तो मुद्दा हर जनप्रतिनिधि, जनता चाहती है विकास, हर जनप्रतिनिधि का होना ही चाहिए क्योंकि जनता उनको चुनती विकास के लिए। इसके अलावा जैसे सूबे का माहौल चल रहा है इस समय, कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब और उनके साथी जो हैं सभासद जितने भी हैं, प्रशासनिक स्तर पर भी मतलब किसी के झूठी FIR दर्ज हो गई है साहब वो परेशान है, यहाँ से लेकर तहसील स्तर और जिले स्तर और जिले से लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ तक काम कराने के में सक्षम है और किए हैं लोगों का। तो और जनता को क्या चाहिए, विकास सुरक्षा सब साथ है हमारे, आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं और बढ़िया काम करते हैं। मैं तो मीडिया से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी बात कहकर खत्म करूंगा कि चुनाव जो होता है पब्लिक के बीच में नेता लड़ता है, छेल और छबीले नहीं लड़ते। थैंक यू। ठीक है, अभी देखा आपने हमारे साथ ये इस्लाम नगर की जनता थी, और भी और लोगों से भी मिलेंगे हम, इस्लामी जनता से बात कर